दोस्तों, बेकरी की बारीकियों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सावरडो स्टार्टर पाउडर की। सावरडो स्टार्टर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि हम लोग इसको फर्मेंटेट करते हैं, 3 to 4 days हम लोग सेल्फ फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं और उसको होममेड या कॉमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सावरडो स्टार्टर पाउडर की जरूरत क्या है, क्यों है? सबसे पहली बात यह है यहाँ पर कि सावरडो स्टार्टर को यदि हम लॉन्ग टर्म रखते हैं तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा स्मेली हो जाए या हम उसे बार बार हमें बनाना पड़ता है। हमें ज़्यादा ना बनाना पड़े, हम एक साथ बल्क प्रोडक्शन करते हैं इसका और एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसको पाउडर के फॉर्म में लाते हैं। तो चलिए, वो स्टेप क्या है और कौन से प्रोसीजर को अपनाएंगे हम जिससे हमारा सावरडो स्टार्टर पाउडर बनेगा। चलिए, पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहले हम रेसिपी ले लेते हैं। तो इक्वल अमाउंट ऑफ 500 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब यदि हमें इसे बल्क में बनाना है तो यू कैन यूज 2 kg, 5 kg, 10 kg। लीव इट फॉर 4 days सेल्फ फर्मेंटेशन। अब यहां बात आती है बारीकियां। जहां फर्मेंटेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, ईस्ट। तो क्या बिना ईस्ट के फर्मेंटेशन हो सकता है या नहीं? यस, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग कॉमन सेंस की बात करते हैं या एक लेमैन एग्जांपल की बात करते हैं या साधारण जो आम आदमी जो खुद का एक्सपीरियंस करते हैं। अभी क्या चल रहा है, गर्मियों का समय है। यदि आप रूम टेम्परेचर पे कुक्ड राइस है उसे 4 to 5 hours रख देते हैं, उसमें एक स्मेल आने लगता है। इट्स लाइक ए स्टार्ट। नॉर्मली कोई भी कुक्ड फूड है जो रूम टेम्परेचर पे आफ्टर 6 hours क्या होता है, स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। तो अब बात आ जाती है सेल्फ फर्मेंटेशन की। तो जहां सेल्फ फर्मेंटेशन है तो हम किसी भी जो ग्रेन है, जो व्हीट, उसमें सेल्फ फर्मेंटेशन कैसे होता है बिना ईस्ट के? तो आप जैसा जानते हैं कि एनवायरमेंट, बहुत सारी बैक्टीरिया होती है। जब क्रॉप जो हमारा ग्रेन होता है, व्हीट ग्रेन जो हमारा ग्रेन है, जब उसकी फसल की बुआई से लेकर कटाई तक हम लोग बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज होते हैं ताकि उसका अच्छे ग्रो हो पाए। तो वो सब सारी चीजें कहीं ना कहीं रूप से, आंशिक रूप से उसमें रहती है। तो यहां पर हम जब सेल्फ फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो यस, विदाउट ईस्ट फर्मेंटेशन इज पॉसिबल, क्योंकि वो बैक्टीरिया, वो चीज उसमें अवेलेबिलिटी होती है जो कि खुद से उसको रेज करता है फर्मेंटेशन के। चलिए, अब आती है बात स्टेप टू, लीव इट इन ओवन टू बी ड्राइड। अब जो हमारा बैटर है हम उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। अब कितने टेम्परेचर पे, वेरी लो टेम्परेचर पे। अब वो टेम्परेचर क्या होगा, समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि ओवन को प्रीहीट किया और ओवन को क्लोज करके लीव इट फॉर 2 or 3 days फॉर ड्राई हीट। 2 days के बाद उसे निकाल लेते हैं, या आप उसे ड्राई प्लेस पे रख सकते हैं या सनलाइट में भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप थर्ड आता है हमारा, यूज ग्राइंडर टू बी कन्वर्ट टू पाउडर। तो यह हमारा प्रोसेस होता है सावरडो स्टार्टर पाउडर की। अब इसकी यूज क्या है, जब हमारा कोई भी चीज बैटर में ना होके पाउडर फॉर्म में होता है तो हम होममेड के लिए, क्योंकि हमारे घर में जब यूज होता है हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत होती है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम रेगुलर सावरडो बना रहे हैं घर में तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि चलो भाई आज बनाना है। लेकिन यही चीज यदि हमारा पाउडर फॉर्म में होता है तो जितनी जरूरत होती है हम उसको यूज करते हैं। तो चलिए, आज बेकरी बारीकियों में यहीं पर मैं विराम लेता हूं। नमस्कार।